सिलीगुड़ी के पोड़ाझाड़ इलाके में किशोरी के साथ बलात्कार की कोशिश करने के आरोप में एनजेपी पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम शंकर सरकार है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार आरोपी भी पोड़ाझाड़ इलाके का रहने वाला है। बताया गया है कि आज सुबह किशोरी के घर में कोई नहीं था, जिसका फायदा उठाते हुए शंकर सरकार ने किशोरी के साथ बलात्कार करने की कोशिश की। किसी तरह किशोरी खुद को बचाकर अपने रिश्तेदार के घर पहुंची। वहीं घटना के बारे में पता चलते ही स्थानीय लोगों ने आरोपी शंकर सरकार को पकड़कर उसकी सामूहिक पिटाई कर दी और घटना की जानकारी एनजेपी पुलिस को दी। बाद में जब पुलिस मौके पर पहुंची तो स्थानीय लोगों ने आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं स्थानीय लोगों ने आरोप लगाते हुए कहा कि उक्त व्यक्ति इलाके में भू माफिया के नाम से प्रचलित है। फिलहाल किशोरी के परिवार की तरफ से शंकर सरकार के खिलाफ थाने में एक लिखित शिकायत दर्ज करवाई गई है। আমি তো কাজে যাই, আমার ছেলেও কাজে গেছে, আমিও কাজে গেছি। আসার পরে দশটা কয়টার দিকে আসছে, আসিয়া আমার মেয়েকে মেয়েকের কাছে বলে পান সুপারি চাইছে। তা মেয়ে বলছে আমার পান সুপারি নাই, দেয় নাই। কে? শঙ্কর। পঞ্চাশের কাছাকাছি কাছে মেয়েকে বলে নাকি নেড়ো হাত দাঁত জাবড়ে দিচ্ছে। আচ্ছা। আমি হাত ছাড়ি দেওয়ার পিসির কাছে গেছে, পিসিকে ডাকে নিয়ে আসছে। এখানে সবাই মারধর করেছে, এখন পুলিশে নিয়ে গেছে। কাউকে বলবি না তো, চল ঘর যাই। তারপর জাবড়া ধরছে, আমি হাত গেলে ছাড়ি দিয়ে ওই যে পিসিদের বাড়িতে গেছি। তারপর পিসি দেখে ডাইকে আনছি, তখন বলতেছি কি কিছু করি নাই, আমি এখন ফাঁসি চাই। आजादी से शुरू हुआ स्वदेशी अभियान, गांव गांव में बिजली आई, रोशन हिंदुस्तान, मंगल तक भी जा पहुंचा स्वदेशी मंगलयान। तो फिर क्यों ना हो हिंदुस्तानी अपना सब सामान, हम बदलेंगे तभी तो बदलेगा ये हिंदुस्तान। सूर्या, आत्मनिर्भर भारत की पहचान।